हाँ मैसेज कर दे। मुकद्दस, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और सब ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी सर, मुकद्दस आज आपकी पहली क्लास है। जी सर, वेलकम जी। थैंक यू और सर। सेब कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक। और बिलाल भाई आप ठीक है? ठीक ठाक सर, आप सुनाए, आपका इंटरव्यू ठीक ठाक है आपकी? और कौन कौन है इनके अलावा? विशन है एक मेरी क्लास से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। मेरा ख्याल वो हेलो ऑनलाइन सर। नहीं है। मिशेल है? हाँ मिशेल है जी ऑनलाइन। हूँ सर। मिशेल क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। कब शुरू करवा रही हो ट्रेनिंग? पर जी ट्रेनिंग कब शुरू करवा रहे हैं आप लोग? जब आप कहें। नहीं वो साइकोलॉजी वाली जो है, कौन सी? वो जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट करवा रहा है। अच्छा सर, वो 22nd से स्टार्ट है सर। लोग नो सर। कर रहे हो? अच्छा जी, अपना लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें कोई इशू को डिस्कस करना चाह रहे हो आप? कोई टॉपिक समझ ना आई हो और दोबारा करना चाह रहे हो? फिर नो नहीं, सर। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली थी, समझ आ गई थी। नहीं कोई क्वेश्चन? सर। आगे चले फिर नेक्स्ट पे। जी सर। अच्छा जी, लास्ट लास्ट क्लास हमारा कोई ज्यादा टॉपिक क्या था? यस सर, चैलेंजेस एंड इश्यूज। जी, इस पूरे में कोई इशू तो नहीं है? नो सर, कोई इश्यू नहीं है। अगर हुई हुई तो जरूरी नहीं है कि आज ही अगर आपको हुआ तो मुझे बताइएगा, हम क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए जी, आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स। इसकी स्लाइड्स मिल गई हैं आपको। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर अभी कौन सी स्लाइड बढ़ाने लगे? हमारा पहला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबके सबके पास है? हाँ जी सर। 2 मिनट, 2 मिनट सर। हाँ कोई जल्दी नहीं, आराम से खोलो। सर ये मैनेजिंग ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज आ रहा है। अच्छा जी, मैनेजिंग मैनेजिंग ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स की स्लाइड सबके पास है? चेक कर सर। ले। जी सर। ये बिलाल सर वेट कर रहा हूँ, आप लोग,
ओपन कर रहा हूँ सर। बिलाल आपके पास भी आ गए मैनेजिंग ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स? जी सर मैंने ओपन कर लिया। ठीक हो गया जी। सारे खोल लेंगे फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को आज। शुरू करें जी? यस सर। ठीक है जाओगे यार मैंने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी मैनेजिंग ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ये बात हम लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके किस वक्त अब तमाम दुनिया ग्लोबल की तरफ जा रही है। बाउंड्रीज आर फिनिश नाउ और वी आर ऑल वर्किंग टू दैट ऑन द सेम पेज। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में अब आप जब ग्लोबली काम कर रहे होंगे तो फिर आपको चैलेंजेस क्या क्या होंगे और आप कैसे अपने जो रिसोर्स है उसको मैनेज करेंगे। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो आप देखेंगे उसी को कह रहा है कि आप जब हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो तीन चार चीजें इसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक एचआर चैलेंजेस, वो कौन कौन से चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं, फिर इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे हम किसमें सिमिलरिटीज क्या है, सेम इश्यूज क्या है, यानी ग्लोबली और लोकली में कुछ इशू ऐसे हैं जो सेम है, कुछ इशू है जो सेम नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। फिर मुख्तलिफ तरीके हम आपको बताएंगे कि आपने इनको किस तरह बेहतर करना है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ट्रेन एंड मेंटेन इंटरनेशनल एम्प्लॉई, हाउ यू विल मेंटेन एंड ट्रेन देम। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए जी, एचआर एंड द इंटरनाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि अब आप अगर एक मुल्क से ज्यादा लोगों मुल्कों में काम कर रहे हैं तो देन यू एंड योर कंपनी इज वर्किंग एज अ इंटरनाइजेशन बिजनेस इंटरनेशनली, जिसको मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं। व्हेन यू आर रनिंग अ मल्टीनेशनल कंपनी देन व्हाट आर द एचआर इश्यूज एंड हाउ यू विल कैटर देम। फर्स्ट चैलेंज जो आप फेस करेंगे दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग मार्केट। डिफरेंट मार्केट्स हैं मुख्तलिफ जगहों की, मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों की, उनमें आपस में मार्केट्स में कोऑर्डिनेट करना। हर मार्केट की नेचर अलग होगी, सिम्टम्स अलग होंगे, तरीके चीजें अलग होंगी, तो फिर उनको आपस में कोऑर्डिनेट। सेकंड प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट और मार्केट में सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे आप, और फिर प्रोडक्शन प्लान को आप किस तरह करेंगे कि वर्ल्ड वाइड बेसिस पर आप उसको हैंडल कर सकें। सेकंड कह रहा है जो आप काम करेंगे दैट इज द क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, यानी कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो आपके अपने होम टाउन में बैठते हुए आप लोकली और इंटरनेशनली ना सिर्फ उनको हैंडल कर सकें बल्कि उनसे मैक्सिमम फायदा भी ले सकें। देखिए जाहिर बात है इफ यू आर रनिंग योर कंपनी फ्रॉम द पाकिस्तान यू आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपका होम ऑफिस, होम टाउन हेड ऑफिस, कंट्रोलिंग ऑफिस डेफिनेटली पाकिस्तान ही होगा। तो अगर आप पाकिस्तान में फिर रहते हुए किस तरह आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि आप इन चीजों को, जैसे DHL देख लें, DHL इस वक्त 150 मुमालिक से ज्यादा 150 मुल्कों से ज्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रहा है, ऑफिस उसका हेड ऑफिस है और एक जगह ही, और वहां से बैठ के वो ना सिर्फ ऑपरेट कर रहा है बल्कि तमाम ऑपरेशंस को हैंडल भी कर रहा है। सो आप फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे कि वो इतना पावरफुल और इतना कैपेबल हो कि वो लोकली और इंटरनेशनली आपके एटमॉस्फेयर को और ऑफिस को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट आप जो काम करेंगे एक्सटेंडिंग एचआर पॉलिसीज। देखिए हर मुल्क में जहां जहां भी आपने काम करना है वहां का एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, लोकल एनवायरमेंट वो डिफरेंट होगा, तो फिर आप अपनी एचआर की पॉलिसीज और सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि आप हर जगह पर रहते हुए उनकी जरूरियात को पूरा कर सके। तो एक्सटेंडिंग एचआर पॉलिसीज एंड सिस्टम टू सर्व
स्टाफिंग नीड्स अब्रॉड, कि वो स्टाफ जो आपके साथ काम नहीं कर रहा, आपका स्टाफ दुनिया के दूसरे मुल्कों में, मसलन देखिए इस वक्त अमेरिका में रात है, सॉरी पाकिस्तान में इस वक्त रात है, जबकि अमेरिका में अब दिन चल रहा है, तो डेफिनेटली जो हमारा स्टाफ अमेरिका में काम कर रहा है वो अब उठेगा, जबकि जो हमारा स्टाफ पाकिस्तान में है वो सोने जा रहा होगा। तो इन तमाम चीजों को हमने फिर इस सिस्टम को बेक करना है कि हम लोकल और इंटरनेशनल दोनों जो हमारे स्टाफ है उनको कैटर कर सकें। नेक्स्ट है जी डिफरेंस एक्टिंग एचआरएम, कि जो एचआरएम वो किस तरह एक्ट करेगा। देखिए इंटरनेशनली जब आप काम करेंगे तो तीन फैक्टर आपको हिट कर रहे होंगे। सबसे पहला है आपका कल्चर फैक्टर, कि आप जहां भी जाएंगे हर शहर हर मुल्क में आपको अलहदा कल्चर मिलेगा वहां का, और उसी कल्चर के हिसाब से फिर आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, आपका हेड ऑफिस बिलोंग टू पाकिस्तान, तो आप कहेंगे अमेरिका में भी जो लोग हैं वो उसी तरह काम करें जैसे पाकिस्तान में है, ये मुमकिन नहीं है। वहां के लोग वहां के कल्चर के हिसाब से काम करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि अमेरिका में आप दिन हो रहा है, डेफिनेटली अब आप अपने स्टाफ को और उनके स्टाफ को सेम पेज पर नहीं रख सकते, उनके लिए आपको कुछ और सिस्टम करना होगा, वो अब उठ रहे होंगे। और अगर आपने उनके स्टाफ को और अपने स्टाफ को एक वक्त पर इंगेज करना है, इसका मतलब ये होगा कि फिर आप अपने स्टाफ को नाइट शिफ्ट पर बुला रहे हैं, तो उसके फिर पैरामीटर्स और होंगे, डायनामिक और होंगे, और सो अपने कल्चर फैक्टर जो है वो आपके इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हिट कर रहे होंगे। उसके अलावा दूसरी चीज जो आपके सिस्टम को हिट कर रही होगी, दैट इज लीगल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फैक्टर, यानी तमाम लोगों के लोकल और आपके अपने कंपनी के लॉ उनको हिट कर रहे होंगे, यानी कि जो आपने अपनी कंपनी के रूल और रेगुलेशन बनाए हैं वो, प्लस उस जगह उस मुल्क उस शहर के कानून, उन सब को सामने रखते हुए आपने पॉलिसी बनानी है। और तीसरी चीज जो इफेक्ट आपको कर रही होगी, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम, कि यहां पर हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए आप काम करते हैं तो शायद इतना वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पर हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, तो एक छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। सो तीन चीजें अफेक्ट कर रही होंगी फिर आप के लिए इंटरनेशनली जब आप काम कर रहे होंगे, एक तो कल्चर फैक्टर होगा, इकोनॉमिक सिस्टम होगा, और थर्ड लीगल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फैक्टर होगा जो आप फेस कर रहे हो। यहां तक हमने जो स्लाइड्स पढ़ी, क्वेश्चन है तो बताइए। नो सर, दोबारा बताएं। क्या दोबारा बताऊं सर? एक इकोनॉमिक का समझ नहीं है, वो तो आप पेपर वर्क कह रहे हैं ना, पेपर वर्क अगर नहीं होगा तो मतलब इशू होगा ना। देखिए ना, पेपर वर्क एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एक तो पेपर वर्क भी है, इसके अलावा भी देखिए ना, मतलब पाकिस्तान में अगर आप अपने एम्प्लॉय से 8 घंटे का कह के 10 घंटे का भी काम करवा ले, जैसे बैंकों में देख लें, ऑफिस में देख लें, आने का टाइम है जाने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका में बैठी हैं तो वहां पर अगर आपने 8 घंटे से ज्यादा किसी एम्प्लॉय को रिटेन किया और उसको उसका पे नहीं दिया तो वो आपके पर सू भी कर सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि पाकिस्तान में ऐसा कितना है, अगर आप में से कोई लोग जॉब्स करते हैं आप उनसे पूछे, जो लोग बैंकों में काम करते हैं या दूसरी कंपनी में काम करते हैं, हालांकि बैंकिंग टाइम 4 बजे का है लेकिन उनको आते आते 7-8 बज जाते हैं। कई दफा हॉलीडेज में छुट्टी वाले दिन, जैसे सैटरडे संडे ऑफ है उनका, उन दिनों में भी काम के लिए बुला लेते हैं, जैसे आज का जून जा रहा है, सैटरडे संडे ऑफ होने के बावजूद भी उन्हें बुलवा लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करते, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये लीगल इश्यूज जो हैं ये भी आपने साथ आपने सामने रख के, फिर देखिए हो सकता है कि आप अमेरिका में एक बहुत अच्छी फैक्ट्री बना रहे में काम कर रहे हो और वहां पर आप एक बड़ी अच्छी वाइन प्रोड्यूस कर रहे हो,
अब अमेरिका में शराब बना के बेचना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही काम अगर आप पाकिस्तान करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको फिर यहाँ के मुल्क के जो लीगल रुकावटें हैं, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करके बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसकी मिसाल आप लें, दुबई में जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वो इंटरनेशनल फ्री पोर्ट है। अमेरिका से आपने एप्पल फोन लिए, जितने मर्जी सेट ले लें और दुबई उतरे और अपने घर चले जाएं, कोई नहीं पूछेगा आपको। लेकिन अगर आप वही 10 15 20 एप्पल के सेट लेकर पाकिस्तान उतरेंगे तो क्योंकि उस पर टैक्स है, अगर आप वो दिए बाजार निकलेंगे तो आप तो जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है वो हरकत में आएगी और आपको पकड़ लेगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए आपने वहां के जो लीगल इश्यूज हैं उनको भी फिर देखना। वकली कुछ कोई और क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट पे चलें जी। फिर नेक्स्ट है जी माना कि जो हमारी एचआर प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम जहां भी होंगे वो तकरीबन तकरीबन सेम होंगी, वो हमारी प्रैक्टिसेस, वो हमारी चीजें बाउंड्री लेस होंगी। मतलब अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमारे DHL 150 कंट्रीज से ज्यादा तकरीबन लेस एंड मोर 150 कंट्रीज में अपना ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो अमेरिका के स्टाफ के लिए भी हुई है, पाकिस्तान में जो स्टाफ बैठा उसके लिए भी हुई है, या दुनिया में किसी भी जगह पे जो उनका स्टाफ है उसके लिए वही है, तो उनको हम कहते हैं कि जी सेम एचआर प्रैक्टिसेस हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स में चार ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो तकरीबन सेम होंगी। सबसे पहले पर्सनल सिलेक्शन प्रोसीजर, कि जब आपने हायर करना है किसी को तो कमोबेश एक जैसा ही तरीकाकार है। मसलन आप पहले एप्लीकेशन देंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, हो सकता है रिटर्न टेस्ट रखा हो उन्होंने, तो वो तकरीबन हर जगह सेम ही होगा। दूसरा, यूज ऑफ पे एंड इंसेंटिव्स, यानी आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेंगे, बोनस, मेडिकल, और ये तमाम चीजें तकरीबन मोर और लेस पूरी दुनिया में एक जैसी होंगी। थर्ड चीज जो कॉमन होगी वो आपकी यानी कि स्टाफ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी। जितनी ट्रेनिंग आप अमेरिका में अपने स्टाफ को करा रहे हैं उतनी ही आप पाकिस्तान में करा रहे हैं, उतनी ही आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या दुनिया में जहां भी आपका आउटलेट है आप उनके लिए करवा रहे हैं। और चौथी चीज जो कि बहुत जरूरी है हर कंपनी के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। डेफिनेटली एक आदमी जो अमेरिका में उनके लिए काम कर रहा है, ये जानना उनके लिए उतना ही जरूरी है कि वो कितना काम कर रहा है जितना एक पाकिस्तानी स्टाफ के लिए है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए हो रही होगी। तो चार चीजें फिर ऐसी हैं जो लेस एंड मोर तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में वो अपने स्टाफ के साथ सेम कर रहा होगा। नंबर वन, पर्सनल सिलेक्शन प्रोसीजर उनका तकरीबन सेम होगा, पे ऑफ इंसेंटिव तकरीबन सेम होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस तकरीबन सेम होंगी, और पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वो उनका सेम होगा। नेक्स्ट है जी, हाउ टू इंप्लीमेंट अ ग्लोबल एचआर सिस्टम। जब आप एक मुल्क से ज्यादा मुल्कों में अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं तो फिर आप सिस्टम बनाएंगे कैसे और इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग अ ग्लोबल एचआर सिस्टम जो नॉर्मली इंटरनेशनली और लोकली तमाम मैनेजर्स के लिए एक्सेप्टेबल हो, तीन चीजों का आपने उसमें ख्याल रखना है। नंबर वन, बेहतरीन ग्लोबल सिस्टम वो होगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी हो, यानी कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो दूसरी आपके अंदर और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल भी हो। थर्ड,
इन्वेस्टिगेटिंग प्रेशर्स टू डिफरेंशिएट दी डिटरमाइंड, यानी कि आप लीगली जो आप पे प्रेशर है उनको मेंटेन करने के लिए, और फिर आप अपना अगर कॉर्पोरेट कल्चर है वो इतना बेस्ट हो तो जो लोग आपके साथ काम करें वो, जैसे टेलीनॉर की मिसाल लोग देते हैं कि जी टेलीनॉर का कल्चर इज द बेस्ट कल्चर फॉर द एम्प्लॉय, इसी तरह और मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं फिर क्या है जी तो नेक्स्ट स्लाइड पे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग अ मोर इफेक्टिव ग्लोबल एचआर सिस्टम, कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका ग्लोबल सिस्टम इफेक्टिव हो तो फिर उसके लिए आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, ग्लोबल एचआर नेटवर्क दैट मेक लोकल एचआर मैनेजर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल टीम, यानी कि आपका नेटवर्क ऐसा हो कि आपकी लोकल मैनेजर और आपका एचआर का दूसरे मुल्कों का मैनेजर है वो सारे ग्लोबली एक पार्ट हो, सारी एक टीम हो, ताकि एक पेज पर बैठकर हम लोग डिस्कस कर सकें और एक इस तरह की पॉलिसी बना सके तो जो अक्रॉस दी बोर्ड हो, और दूसरा इस तरह की चीजें बनाए जो स्टैंडर्डलाइज किए जा सकें, जिनको हम स्टैंडर्डलाइज कर सकें, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हम बना लें जो एक मुल्क दो मुल्कों के लिए तो हो सके और किसी दो के लिए ना हो, तो कोशिश करें कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो स्टैंडर्डाइज हो, मतलब कि वो हर एक के लिए काबिले कबूल हो। नेक्स्ट है जी कि जब आप ने इनको इंप्लीमेंट करना है तो याद रखनी है दो चीजें, देखिए क्योंकि आप चीजों को बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकते हर एक को बार बार, तो कोशिश करें कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके जो ग्लोबल रिसोर्सेज हैं उनको उतना इफेक्टिव बनाएं कि वो आपकी पॉलिसीज को बड़ी अच्छी तरह मुख्य लोगों में कम्युनिकेट कर सकें। इसके लिए कह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अब आपने पॉलिसीज बनानी है, तो जब आपने पॉलिसीज बनानी है तो डेफिनेटली आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हेन वी आर गोइंग टू हायर द इंटर्न स्टाफ तो व्हाट विल बी वी डू आवर पॉलिसीज फॉर इंटरनेशनल स्टाफिंग क्या होंगी। तो कह रहे हैं जी एक तो हम उनके लिए एरिया का ख्याल रखेंगे, उनकी जो सिचुएशन है उनका ख्याल रखेंगे, उनके लिए वैल्यूज का ख्याल रखेंगे, उनके कल्चर्स का ख्याल रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इस तरह की चीजें बनाएं कि जो आपस में टकराए ना। नॉर्मली वो कह रहा है कि अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी पॉलिसीज जो है वो बुरी तरह नाकाम होंगी, बैडली इफेक्ट होंगी, वो पॉलिसीज उस तरह आपको फायदा नहीं दे सकेंगी जिस तरह आप चाहते हैं। तो कह रहा है आपकी जो पॉलिसीज है वो फेल क्यों होती हैं? सबसे पहले पर्सनैलिटी, कि आप ये सामने रखते नहीं कि किसके लिए बना रहे हैं, फिर आप जो पर्सनल इंटेंशन हैं, जो जाती ख्वाहिशात हैं इंसान, जो जाती इकदार हैं उनको आप भूल जाते हैं, फिर आप फैमिली प्रेशर को नहीं देखते कि यार हमने जो टाइमिंग रखे हैं आया उन टाइमिंग को वो मीट करते करते कहीं फैमिली से तो नहीं उसका क्लैश शुरू हो जाएगा, तो फैमिली प्रेशर तो नहीं उस पर आना शुरू हो जाएगा। ईद के दिन आप लोगों को अपने ऑफिस बुला लें तो डेफिनेटली फैमिली वाले प्रेशर मेंटेन करेंगे कि यार आज का दिन तो घर बैठ जाओ। फिर जो इशू आपको प्रॉब्लम फेस करता है वो है
लैक ऑफ कल्चरल स्किल, यानी कि आप वहां के जो कल्चर्स कल्चर को सामने रखते हुए चीजों को नहीं बनाते, तो वो आपके लिए। फिर वो कह रहे जी जो नेक्स्ट चीज कि आप इंटरनेशनल और लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोऑप नहीं करते आपस में, यानी कि उनको आप एक पेज पर नहीं लेकर आते। इस तरह की चीजें हैं जो आपको आपकी बनाई हुई चीजों को फेल करती हैं और आप उनको उस तरह उनसे रिजल्ट नहीं ले पाते जिस तरह आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, जिस तरह आपकी ख्वाहिश होती है, जिस तरह आपका ख्याल होता है कि जो मैंने सिस्टम बनाया है वो इतने परसेंट मुझे रिजल्ट देगा। तो इन चीजों को क्योंकि आपने सामने नहीं रखा होता, उस वजह से फिर वो उस तरह आपको रिजल्ट नहीं दे पाता। इसी तरह वो कह रहा है जी क्या क्या चीजें हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, क्या क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी चीजों को मैक्सिमम कामयाब करवाने के लिए, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। तो कह रहा जी सबसे पहले आप जो काम करें वो ये करें कि इंप्रूव्ड बेनिफिट पैकेजेस, कि आपने जो उनको देना है जो जो बेनिफिट्स आपने उनके लिए रखे हैं काइंडली उनको इंप्रूव करें। सेकेंड, आप कल्चरल एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त करें ताकि कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर जो है वो कम से कम होते चले जाएं। थर्ड है इंप्रूव्ड ओरिएंटेशन, यानी कि आप अपने आप को पेश करने के जो तरीके हैं उनको बेहतर से बेहतर करें। केयरफुली स्क्रीनिंग, मतलब कि आप रखने से पहले उनको बहुत अच्छी तरह जांचें और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब भी चूज करें। ऐसे आदमी जो चूज ना करें जो आपके लिए राइट नहीं है या आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें। और फिर वो कह रहा है कि जी आप जो प्रीव्यूज लें, जो एनालिसिस करें वो रियलिस्टिक लें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत बनाएं। जो आप चाहते हैं, जो जगह आजकल कोरोना की वजह से लोगों के लिए मुश्किल है आना जाना, तो आप उस हिसाब से सोचें कि यार एक आदमी आ रहा है काम कर रहा है चलो कोई बात नहीं, या अगर एक आदमी हमारा काम घर बैठ के कर रहा है हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही तो यार कोई बात नहीं। तो आप करंट रियल सिचुएशन पर बैठकर रियलिस्टिक होते हुए चीजों को देखें। अगर आप इन चार पांच चीजों को जेहन में रख के काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। फिर कह रहा है कि आपका जो कोर, जो आपका बैकबोन काम कर रही होगी, जो आपकी कामयाबी, आपकी कंपनी की कामयाबी और नाकामी के पीछे काम कर रही होगी, वो है आपके मैनेजर्स। तो कह रहा जब आपने मैनेजर देखने हैं, असेसिंग द असाइनीज प्रोबेबल सक्सेस इन हैंडल द फॉरेन ट्रांसफर और ओवरसी असाइनमेंट इन्वेंटरी, कि आपने जो उनको ओवरसीज है इंटरनेशनली, यहां से बैठकर उनको जो आपने मुल्क के बाहर की असाइनमेंट देनी है उनको सामने रखते हुए दीजिए कि वो क्या है, प्लस प्रॉब्लम क्या हो सकती है, न्यू जॉब के लिए उनको क्या फायदे हो सकते हैं, न्यू जॉब में आया वो उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते, कहीं कल्चर का इशू तो नहीं होगा, वहां की चीजों को अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उनके आइडिए के उनके साथ क्लैश तो नहीं करेंगे। इन तमाम चीजों को रखते हुए सामने फिर आपने अपने लिए मैनेजर चूज करने हैं कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो आपकी कंपनी के व्यापार वहां जाकर